अब खास बातचीत करते हैं हमारे साथ मिस्टर समीर अरोड़ा हैं। बजट के बाद आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए मार्केट पे, उससे बात करेंगे। समीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर, बजट स्पीच सुनी आपने, बहुत सारी आशाएं थी इस बजट से, आपकी आशाएं पूरी हुई या नहीं हुई? और ये बाजार का डाउनसाइड खत्म करने के लिए, बाजार को एक सहारा देने के लिए क्या बजट ये पर्याप्त था? जो फियर्स थे एक दो बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट रिलेटेड, वो सेटल हो गए। लेकिन उससे ज्यादा वेदर ग्लोबल मार्केट अगर गिरती रही और हम उसमें अप हो जाए, वो मुझे लगता है बजट ने डिलीवर नहीं किया। लेकिन लास्ट मंथ दैट इज फरवरी में मार्केट्स हमारी वर्ल्ड की मेरी लास्ट थी 50th out of 50, एंड वो मेरे को लगता था मोर रिलेटेड टू कि बजट में क्या नेगेटिव हो सकता है। उसमें दो तीन चीजें थी, एक कि मैं फिस्कल डेफिसिट को ये 3.5 का 3.8 3.9 ना कर दें, सेकंड दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का डेफिनेशन चेंज ना कर दें, और थर्ड कि कोई भी इधर उधर कोई नई चीज ना कर दें, या 2% सर्विस टैक्स एक्सपेक्टेड था लेकिन और बाकी कुछ ना कर दें। उसके मतलब पॉजिटिव यही तीन चीजें रही कि 3.5% फिस्कल डेफिसिट, उससे करेंसी को फायदा हुआ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को फायदा होता है, सेकंड टर्म कैपिटल गेन की अनसर्टेनिटी हट गई, और सर्विस टैक्स अभी के लिए पूरा 2% नहीं बढ़ा गया। लेकिन नेगेटिव ये था कि इतने सारे छोटे छोटे टैक्सेस डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट कंपनीज में लगे हैं कि उससे लोगों को मजा नहीं आता। जी समीर जी, लेकिन बजट के बाद क्या आपको लगता है कि फिर से जो इंडियन मार्केट्स का फोकस होगा वो इंटरनेशनल मार्केट्स पर ही रहेगा, और इसी वजह से शायद मार्केट्स अभी नियर टर्म में वॉलेटाइल ही रहे? और दूसरा बड़ा सवाल, एफआईएस लगातार बिकवाली कर रहे हैं, बजट भी आ चुका है, कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद एफआईएस वापस भारतीय बाजारों का रुख करे? तो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट बजट का यही है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स वीक रही तो हम उसको अगेंस्ट मे बी आउट परफॉर्म कर सकते हैं पहले, क्योंकि एक महीने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट रिवर्स नहीं हो सकते। तो फॉरेनर्स की सेलिंग को अब हमें पता नहीं, बट अगर आप इमेजिन करें कि दो रीजंस के लिए हुई थी लास्ट मंथ, एक जो उनको एक्चुअल प्रॉब्लम है रिडेम्पशंस अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स, और दूसरा कि देयर वर फियर्स अबाउट कि बजट में कोई नेगेटिव ना हो, तो सेकंड पार्ट का तो एटलीस्ट नेगेटिव नहीं हुआ ऊपर। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिलेटिव कैचअप हो सकता है इन परफॉर्मेंस। ये भी हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट्स गिरे और हम भी गिरे लेकिन कम गिरे, अगर ग्लोबल मार्केट बढ़े हम थोड़े ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन हमारी लाइफ चेंज हो गई बहुत ज्यादा वो अभी नहीं हुई। जी सर, मैं जानता हूं कि आप सरकारी बैंकों को ज़्यादा फेवर नहीं करते हैं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं आप प्राइवेट बैंक्स पे झुकाव आपका ज़्यादा है, लेकिन कल स्ट्रीट मान के बैठा था कि रिकैपिटलाइजेशन के लिए कितना अमाउंट देगी, यकीनन जो अमाउंट आया वो उससे कम था। लेकिन सर आपको लगता है क्या है कि सरकारी बैंकों में एक आपका बस व्यू जानना चाहता हूँ, डाउन साइड यही खत्म हो जाएगा? क्या वित्त मंत्री ने ठीक करा 25,000 करोड़ रुपये देकर ही, और ये छोड़ दी बात अब बैंकों पर ही, बैंक बोर्ड बना के अब आप खुद मेहनत करिए, मशक्कत करिए, कैपिटल रिसोर्सेज को ढूंढिए और एक अच्छा संचालन करिए, अब मैं ज़्यादा आपको सहायता नहीं दूंगा, आपको जो करना है खुद करना है। आपको लगता है कि ये डाउनसाइड कैप कर देगा सरकारी बैंकों का? डाउनसाइड पता नहीं अभी, क्योंकि अभी आप हो सकता है कि 0.25% इंटरेस्ट रेट कट हो जाए, फिर 2% बढ़ जाए, बट आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी चार लोगों को ढूंढकर, वो नहीं हो सकती आसानी से। बैंकिंग बोर्ड में आपने चार अपने बंदे, अपने मीन्स की डिस्टिंग्विश पीपल, लेकिन ये ऐसे अगर चार चार लोगों से सॉल्व हो रही होती मार्केट, तो फिर आपको पता है कि हमारे मिस्टर मोदी के आने के बाद एक्चुअली 2 सालों में कितना चेंज होना चाहिए था, हुआ है लेकिन कम हुआ है, बिकॉज ये चीजें इतना टाइम लेती हैं, ये चीजें इतनी लंबी रेंज की होती है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आपने नया बैंक बोर्ड चेयरमैन बना दिया, आपने बैंक बोर्ड का चेयरमैन बना दिया तो अब वो स्टॉक ऊपर चलने लग जाएगा। ये हो सकता है कि आप आगे से वो नए गुफक नहीं करेंगे, नई मिसलैंडिंग नहीं होगी, लेकिन पुरानी चीजों को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। तो सेम थिंग विद इंडिया, मिस्टर मोदी के आने के बाद आप कह सकते हो कि करप्शन कम हुई या थोड़ा गवर्नेंस इंप्रूव हुई, लेकिन जो पुराने एनपीएस थे, जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व करने में तो 5 साल लगेंगे। तो वही चीज हो रही है, द न्यू पर्सन इफ इज गुड, विच आई बाय द वे मैं तो मिस्टर विनोद राय का बड़ा फैन हूं, मैंने 2 बार उनकी बुक को ट्वीट किया रिकमेंड करने के लिए, मैंने उनका सिग्नेचर लिया, इट्स अ ग्रेट बुक, बट व्हाट आई एम सेइंग इज वो पुरानी चीजें सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। नए आप कह सकते हो कि नए गुफ्स कम होंगे, उसमें ज्यादा आप इंश्योर करोगे कि कोई फ्रॉड ना हो, कोई ये ना हो, कोई एवरग्रीनिंग ना हो, लेकिन ये बहुत लंबे खेल।
जी, लेकिन समीर जी अब वॉइसेस ये भी हैं कि अब बैंकों को हेल्प करने की बारी आरबीआई की है और आरबीआई को रेट कट करना चाहिए। एक बैंकर्स का पोल भी क्या जी बिजनेस में, जिसमें ज्यादातर बैंकर्स मानते हैं कि हाँ आरबीआई की ओर से रेट कट आ सकता है। पहली चीज, आपकी सोच क्या है रेट कटौती को लेकर, और अगर रेट कट आता है तो बैंक्स के साथ साथ मार्केट को मूव करने में क्या ये ट्रिगर हेल्प करेगा? जी मुझे लगता है 0.25% रेट कट कभी भी आ सकता है, बिकॉज डेफिनेटली गवर्नमेंट के बजट में पॉजिटिव चीजें भी रही हैं, एंड सबसे बड़ा पॉजिटिव यही रहा है कि उन्होंने 3.5% को कमिट किया है, एंड उसके लिए दे ऑल्सो मस्ट बी नोइंग कि हाउ आरबीआई विल रिस्पॉन्ड। तो 0.25% कट मुझे लगता है कभी भी आ सकता है, बिफोर मीटिंग भी आ सकता है, और उससे आपका मार्केट दो दिन और एक्स्ट्रा आउट परफॉर्म करेगी, उसके बाद इससे बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। सर, जो ये बजट की स्पीच थी कल, बजट पूरा बजट था, उसमें जो फोकस रूरल ग्रामीण भारत पे किया गया, कृषि पे किया गया, सिंचाई पे किया गया, ग्रामीण भारत पे के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए किया गया, इससे आप कितने खुश हैं? और क्या जो स्टॉक्स या फिर कंपनियां जिनका कारोबार ग्रामीण भारत से है, आप एफएमसीजी को ले लीजिए, आप फार्म इक्विपमेंट को ले लीजिए, आप इरीगेशन को ले लीजिए, इन पर फोकस करना चाहेंगे आप? नहीं, हमारे पास हमने हैं क्योंकि सबको पता था कि इस बार रूरल ओरिएंटेड बजट आएगा, या लेकिन लोग सोच रहे थे और वही हुआ, तो हमने भी अपनी लिस्ट में देख लिया कि कौन से स्टॉक हैं जो हम अपने मन में कह सकते हैं रूरल रिलेटेड हैं। लेकिन उसके लिए नए स्टॉक खरीदेंगे आप इरिगेशन के लिए, पहले तो पता नहीं कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पे खत्म होगी, कोई स्टॉक नहीं ले सकते इन चीजों के लिए। आपने अगर पहले भी देखा हो कि अब न्यूक्लियर डील हो गई, अब आपने न्यूक्लियर स्टॉक ले लिए, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग खुल गई, आपने ऑर्गेनाइज रिटेलिंग स्टॉक ले लिए, उसके बाद केबल के लिए वो आ गया कि जी अब ये सब बॉक्सेस होंगे, क्या कहते हैं उसको, डिजिटाइजेशन होगी, आपने केबल के डिस्प्ले ले लिए, पैसा नहीं बनता। दिस वॉज नीडेड, इट इज नीडेड, लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके जो नॉर्मल कंपनी आप पहले ही खरीदते हैं उनमें कोई फायदा हो जाएगा, वही आपके लिए अच्छा है। जैसे हमें लगता है हमारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में कोई फायदा हो जाएगा, किसी को लगेगा कि हमारे पास बैंक्स हैं उनके एनपीए कम हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए नए नए शेयर खरीदना है अनाउंसमेंट के लिए, वो अगर पुरानी कंपनी में एकदम डायरेक्ट बेनिफिट हो जाए, किसी का एक्साइज कट हो गया, किसी का एक्साइज बढ़ गया, वो आप रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतनी बिग पिक्चर के लिए आप कोई रूरल स्टॉक नए खरीदने लग जाए मुझे उसकी जरूरत नहीं लगती। Separately, I think rural stocks are not bad now, क्योंकि मुझे लगता है कि बारिश भी अच्छी hopefully आएगी, क्योंकि अब दो खराब हुई हैं, उसके ऊपर हम next focus करेंगे, लोग सोचेंगे क्या हो रहा है rest of the world में, लेकिन specific एक announcement के लिए आप share करने कोई पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे। जी समीर जी, ऑटो सेक्टर पर व्यू क्या है, क्योंकि बजट में जिस तरह से छोटी कार्स हो या फिर बड़ी कार्स हो सब पर सेस लगा है, और डेफिनेटली इस फैसले का जो रिफ्लेक्शन है वो भी कार प्राइसेस पर आना शुरू हो गया। ह्यूंडई ऑलरेडी अपने प्राइसेस बढ़ा चुकी है, कई सारे ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट्स भी आने शुरू हैं जो मान रहे हैं कि जो फैसले लिए गए हैं बजट में वो मारुति जैसी कंपनियों के लिए नेगेटिव हैं, और जो सेल्स पर इसका डेफिनेटली इंपैक्ट दिख सकता है। तो अभी जो बजट में अनाउंसमेंट्स हुई उसके मद्देनजर ऑटो को लेकर राय क्या है आपकी, क्या आप अशोक लेलैंड हुए, एस्कॉर्ट्स या फिर टीवीएस मोटर्स जैसे शेयर हुए जो कि रूरल इकोनॉमी से काफी लिंक्ड हैं, वहां एक्सपोजर लेना चाहेंगे या फिर अवॉइड करेंगे ऑटोस को अभी? नहीं जी, हमारे पास ये शेयर ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है, और स्पेसिफिक नेम्स में बोलूंगा नहीं क्योंकि कई और शेयर वहां पर शॉर्ट भी हैं और एक दो एंसिलरीज लॉन्ग भी हैं, बट इन जनरल मुझे लगता है कि अननेसेसरी चीजें थी। ऑल्दो मुझे कार्स का फिर भी मैं थोड़ा ब्रॉडली अपने आप को जस्टिफाई कर सकता हूँ कि इट इज ट्रू कि डीजल कार वाले को ज्यादा पैसे देने चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ सब्सिडी है, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। मैं तो एक्चुअली 5 साल से 10 साल से बोल रहा था कि डीजल कार्स पे टैक्स देना चाहिए, उस वक्त हम पोल्यूशन का नहीं सोचते थे, हम सोचते थे कि डीजल सब्सिडाइज है सो देयरफॉर डीजल बायर कार बायर शुड पे। अब वो हल्के हल्के सब्सिडी तो खत्म हो गई, अब वो इन्वायरमेंट और यूज ऑफ रोड का वो बन गया। हम सिंगापुर में रहते हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ अ कार कंपेयर्ड टू यूएस इज 5 times एंड कंपेयर टू इंडिया इज 3 times। हमारे यहाँ टोयोटा कैमरी की प्राइस अराउंड 65 lakhs होती है, तो हमें ये सिंपति नहीं है कि 1% बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, नोइंग व्हाट हैपेंस एटलीस्ट इन दिल्ली एंड बॉम्बे वेयर आई गो मोस्ट ऑफ, तो ये ठीक है, लेकिन स्टॉक्स के लिए खराब है, बट इंडिया को चाहिए। जी जी सर, एक चीज बताइए, अभी कुछ देर पहले आप शॉर्ट्स का जिक्र कर रहे थे, सर अभी अब तक आप शॉर्ट कहाँ थे, या फिर अब बजट के बाद जो अनसर्टेनिटीज खत्म हो गई है उसके बाद शॉर्ट कवर करने के बारे में कहाँ सोचेंगे सर आप? नहीं जी, पहली बात है हमारा फंड एक फंड दो फंड है, बट एक फंड तो है ही लॉन्ग शॉर्ट फंड, तो वो शॉर्ट को चेंज करता है, कभी स्टॉक्स चेंज करता है, लेकिन वो जीरो शॉर्ट कभी नहीं करता, बिकॉज वो रिस्क इस फंड का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अभी मेरे को कल एक इन्वेस्टर ने भी पूछा है कि क्योंकि इन 2 महीनों में लॉन्ग में बड़े पैसे खोए हैं,
लेकिन शॉर्ट में बड़े बने हैं, तो कोई शॉर्ट चेंज करेंगे अभी तो नहीं कर रहे जी। समीर जी, एविएशन पर आप काफी पॉजिटिव रहे हैं अब, और हमने देखा भी कि एविएशन स्टॉक्स में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के दौरान एक पार्टी रही, काफी स्ट्रॉन्ग सर्ज इन स्टॉक्स ने दिया। आज खबर भी है इन स्पेस से जुड़ी हुई कि एटीएफ प्राइसेस जो हैं वो बढ़े हैं, तो क्या जो पार्टी हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर के दौरान देखी वो अब लगता है आपको ओवर होगी, या फिर अभी भी स्टीम आपको लगा है कि इन स्टॉक्स में बाकी ऑन डेप्स खरीदने चाहिए? एक्चुअली जी, सैड बात ये है कि वो जनवरी फरवरी में वो पार्टी बड़ी देर से खत्म हो चुकी है, इन द सेंस हमारे पास तो शेयर है लेकिन वो बेचारे शेयर 25-25% गिर गए हैं, तो अभी पार्टी की बातें तो भूल भी गया। लेकिन वी आर थिंकिंग कि एक्चुअली बिना बात भी ये एक और टैक्स है जो बढ़ा दिया गया 8% से 14%। अब ठीक है, वी विल होल्ड इट बिकॉज़ स्टॉक्स आर डाउन 30%। वही मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअली इस पॉलिसी से अगर आप सोचे कि कोई आप शेयर चेंज करेंगे और आप सोचे कि हम कोई बेच देंगे या खरीद लेंगे, ये तो नहीं हुआ कि कल तक ये शेयर अप थे। अगर ये दिसंबर में ये पॉलिसी आती तो हम भी अलग सोचते। अब हम कहते हैं कि 25% शेयर गिर गए हैं, इतना भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है 8% का 14% हो रहा है, 6% उनका फ्यूल कॉस्ट होता है, मे बी 25%, तो उनकी 1% कॉस्ट बढ़ गई, अब वो प्लस माइनस करके फिर आगे पास करेंगे कुछ करेंगे या मार्जिन कम होंगे, बट स्टॉक प्राइस बेसिकली 2/3 रह गई है स्टॉक्स की, तो वी हैव देम। समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, बजट के बाद बजट पर सेक्टर्स पर बात रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल।